रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु आरोही और अक्षरा की लाइफ उलझती जा रही है। जहां अभिमन्यु खुलेआम बोलते हैं कि वो अक्षरा से प्यार करते हैं, वहीं अक्षरा अपनी फैमिली की वजह से अपना प्यार छुपा लेती है। वहीं आरोही ने अभिमन्यु को अपनी जिद बना लिया है और उसे किसी भी हाल में पाना चाहती है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अभिमन्यु आग में फंस जाता है और उसके बाद अक्षरा अपनी जान पर खेलकर अभिमन्यु को बचाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु को वो बाहर लेकर आएगी आग से, उसके बाद अक्षरा की हुई हर चीज का क्रेडिट आरोही ले लेगी। आरोही ऐसे दिखाएगी कि उसने अभिमन्यु को बचाया है। सारे घर वाले भी आरोही को थैंक यू कहते नजर आएंगे। वो अभिमन्यु को उसके घर लेकर जाएगी और वहां पर उसके परिवार के सामने ऐसे दिखाएगी कि उसने अभिमन्यु को आग से निकाला है, जिसके बाद अभिमन्यु की पूरी फैमिली उसको बहुत ज्यादा थैंक यू कहती दिखेगी। वहीं सबके दिमाग में ऑलरेडी ये बात चल रही है कि अगर अक्षरा अभिमन्यु से प्यार नहीं करती है तो अभिमन्यु के लिए आरोही एकदम परफेक्ट मैच है। और इसी के चलते अब सब यही सोचेंगे कि अभिमन्यु की शादी आरोही से हो जानी चाहिए। अभिमन्यु को भी यही गलतफहमी है कि आरोही उसकी हेल्प करने के लिए आई थी। इसके चलते अभिमन्यु भी अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर शादी के लिए हाँ कर देगा। लेकिन ट्विस्ट आएगा यहाँ पर, क्योंकि शादी के मंडप पर एंड मोमेंट पर अभिमन्यु को सब कुछ पता चल जाएगा और वो शादी से भाग जाएगा, जिसके बाद दोनों फैमिलीज डिसाइड करेंगी कि आरोही की शादी अभिमन्यु के भाई से हो जानी चाहिए। अभिमन्यु के भाई को ना चाहते हुए भी मंडप में बिठाया जाएगा और ये बात आरोही को नहीं पता होगी, जिसके बाद आरोही की शादी अभिमन्यु के भाई से हो जाएगी। अक्षरा और अभिमन्यु की स्टोरी का क्या होगा, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है।